हाय एवरीवन, स्टडी का रिनवे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको मैथ के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाएंगे जिसकी जरूरत हमें अपने दैनिक जीवन में हमेशा पड़ती है। जैसे कि दिया गया है, 1 केजी मछली का मूल्य 250 रुपए है, तो 70 रुपए में कितनी ग्राम मछली मिलेगी, यही पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो मछली का मूल्य दिया गया है यानी कि 250 रुपए, इसे यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर जो है 250 रुपए में कितनी मछली मिल रही है, 1 केजी मछली मिल रही है, तो यहाँ पर आप जो है 1 केजी लिख लीजिए। अब क्या करना है दोस्तों, इस 1 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 केजी और 1000 ग्राम आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, हमने इसे ग्राम में कन्वर्ट क्यों किया, इसे भी समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि 70 रुपए में कितनी ग्राम मछली मिलेगी, इसलिए हमने जो है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ आ जाइए, अब हम पता कर लेंगे कि 1 रुपए में कितनी ग्राम मछली मिलेगी। तो इसे पता करने के लिए क्या करना होगा, 1000 बटा में 250 कर देना होगा, यानी कि दोस्तों 1000 में 250 से भाग कर देना है। तो आइए भाग कर लेते हैं, 1 0 1 0 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर 100 बटा में 25 बचा है, इसे भी काट लीजिए, तो 25 चौका में 100 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 4, यानी कि डी है 1 रुपए में कितनी ग्राम मछली मिल रही है, 4 ग्राम मछली मिल रही है। तो 70 रुपए में कितनी ग्राम मछली मिलेगी, तो देखिए डियर, यदि 1 रुपए में 4 ग्राम मछली मिल रही है तो 70 रुपए में कितनी मिलेगी, इसके लिए क्या करना होगा, 70 गुणे में 4 कर लेना होगा। तो इसका हम गुणा कर लेते हैं, 4 0 का 0 4 7 में 28, कितना आ गया, 280 ग्राम, यानी कि हमें 70 रुपए में 280 ग्राम मछली मिलेगी। अब ऐसा भी तो नहीं है दोस्तों, आपके पास हर समय कागज और पेन हो, यदि आपके पास मोबाइल फोन भी है तब भी आप ऐसे हिसाब को चुटकियों में कर पाएंगे। इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेना है, इसके बाद जो है 1000 टाइप कर लेना है। 1000 टाइप करने के बाद जो है भागा का साइन लगा लेना है। इसके बाद जो है जो मछली का मूल्य दिया गया है यानी कि 250 रुपए, उसको यहाँ पर टाइप कर लेना है। फिर से जो है गुणा का साइन लगा लेना है। इसके बाद हमसे पूछा गया था कि 70 रुपए में कितनी ग्राम मछली मिलेगी, तो यहाँ पर जो है 70 को टाइप कर लेना है। अब दोस्तों जैसे ही आप जो है कैलकुलेटर में ओके की बटन को दबाएंगे तो आपका आंसर तुरंत यही निकल के आ जाएगा, 280 ग्राम। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।